लखीमपुर खीरी में किसानों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, ये कांग्रेस का कहना है, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली नेता थी विपक्ष की जो सबसे पहले वहां के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दिल्ली से लखनऊ पहुंची, सीतापुर पहुंची और वहां उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वहां एक तस्वीर प्रियंका गांधी की आती है जिसमें वो उस गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाती हुई देखी जाती है। जब आज ये सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा गया तो उन्होंने इस पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जनता अब इन लोगों को झाड़ू लगाते हुए ही देखना चाहती है। बस क्या था, इसके बाद प्रियंका गांधी ने एक नया जो वीडियो है वो जारी कर दिया और ये तस्वीर आई उत्तर प्रदेश के इंदिरा नगर के दलित बस्ती की। लवकुश बस्ती में प्रियंका गांधी पहुंची और वहां जो सफाई कर्मचारी थी, महिलाएं थी जो झाड़ू वहां रोज लगाती हैं, उनके साथ वो झाड़ू लगाती हुई दिखी। फोटो भी भेजा गया और वीडियो जो है वो भी जो है सोशल मीडिया पर जारी किया गया। ये जवाब था प्रियंका गांधी का योगी आदित्यनाथ के लिए, लेकिन इसे एक पॉलिटिकल गेम चेंजर भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है ये पूरी तरह से राजनीतिक है। प्रियंका गांधी ने झाड़ू लगाकर उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। जानकारों का ये कहना है कि प्रियंका गांधी ने जो ये तस्वीर जारी की है, जो झाड़ू लगाया है जाकर दलित बस्ती में, ये एक तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक नए सोशल इंजीनियरिंग की तैयारी कांग्रेस की दिख रही है। जनरली ये रहा है उत्तर प्रदेश में कि दलित जो वोट बैंक है वो अब तक मायावती को मिलता रहा है, लेकिन कांग्रेस और खासकर प्रियंका गांधी ये दिखाना चाहती है कि वो आम लोगों से जुड़ी हुई है, आम लोगों के साथ नजर आएंगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खासकर उनके झाड़ू लगाने को लेकर जो कटाक्ष किया है, उसके जवाब में वो ये दिखाना चाहती है कि वो झाड़ू लगाने से या उस तरह की किसी भी चीज़ करने से कभी कोई परहेज नहीं कर सकती है। और ये तस्वीर अपने आप में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नई रणनीति बताई जा रही है। कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और दलित एक वक्त पर कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक था। एक तरफ से कांग्रेस ब्राह्मण चेहरों को आगे लाने की कोशिश और दूसरी तरफ झाड़ू लगाकर एक नई सियासी बहस जो है वो प्रियंका गांधी ने शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश में।